नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को हृदय से वंदन, अभिनंदन तथा स्वागत करता हूँ। अब तक 45 एपिसोड्स बुद्धा सीरीज के हो गए हैं। यह 46वां 46th एपिसोड है। इस एपिसोड में हम लोग रूप यानी मैटर पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व के एपिसोड्स में हम देख चुके हैं कि मनुष्य, मैन, आदमी, व्यक्ति नाम तथा रूप का एक समूह है, यानी हम में नाम है अर्थात मन है, माइंड है, जो किसी कार्य को करवाता है, और दूसरा रूप है, मैटर है, जो करता है। वह करने वाला रूप क्या है, इस पर विमर्श करने जा रहे हैं। रूप शब्द के अर्थ विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न रूपों में मिलते हैं, उनके अलग अलग अर्थ दिखते हैं। कहीं इसका प्रयोग किसी वस्तु के वाह्य रूप के अर्थ में होता है, तो कहीं मार्ग के अर्थ में, अथवा तरीके के अर्थ में, अथवा प्रक्रिया के अर्थ में। फिर कहीं कहीं इसका प्रयोग उस तत्व के अर्थ में होता है जो नाम धर्म यानी चित्त चैतसिक धर्म, जिसका हम लोग इस बुद्ध सीरीज के एपिसोड नंबर 32 से 45 तक यानी 40 एपिसोड्स में विमर्श कर चुके हैं। नाम धर्म से यह संबंध है, क्योंकि नाम धर्म यानी माइंड अर्थात चित्त चैतसिक, कॉन्शसनेस एंड साइकिक फैक्टर्स इस रूप में ही निवास करता है। इसलिए नाम तथा रूप दोनों मिलकर जीवित मनुष्य का निर्माण करते हैं। बौद्ध दर्शन, थेरवाद दर्शन रूप के इस अर्थ को से ही संबंध है, रूप के इस अर्थ को ही बतलाता है। साधारण अर्थ में सामान्यतः रूप द्रव्य अथवा पदार्थ, मैटर का पर्यायवाची है। वैदिक परंपरा पर आधारित भारतीय दर्शन शास्त्र की पद्धति में हम दो वस्तुओं को पाते हैं, द्रव्य और गुण, मैटर एंड क्वालिटी। कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों, वेस्टर्न फिलोसफर्स का विचार है कि द्रव्य और गुण दो पृथक पृथक तत्व हैं। उनके अनुसार द्रव्य गुण का धारक है या द्रव्य गुण का वाहक है। यह ठीक है कि गुण द्रव्य में ही निहित होता है, किंतु थेरवाद में द्रव्य का अर्थ है पृथक पृथक अलग अस्तित्व के रूप में नहीं माना गया है। इसके अनुसार रूप कोई स्थूल वस्तु नहीं है, ग्रॉस मैटर नहीं है, अपितु मूलतः गुण ही है। रूप किसी ऐसी वस्तु का नाम नहीं है जो गुण से पृथक अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखता हो, बल्कि यह गुण का ही, क्वालिटी का ही पर्याय है। एक उदाहरण से इसे देखते हैं। जैसे कोई खिलौना, वह खिलौना आम का है, बिल्कुल आम के आकार का, पके हुए आम, पीले रंग का है। दूर से देखने में
वह आम ही दिखाई देता, वह आम के आकार का तो है, रंग भी आम का ही है, क्या हम उसे आम के रंग और आकार वाले खिलौने को आम कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आम का गुण नहीं है, आम का रस नहीं है, आम की मिठास नहीं है। जब तक उस वस्तु में, उस रूप में आम का गुण नहीं हो, आम उसे नहीं कहा जा सकता है। अस्तु, रूप को परिभाषित करते हुए संयुक्त निकाय के खज्जनीय सूत में कहा गया है, रूप तीति खो भिक्खवे तस्मा रूपंक्ति उच्चति, केन रूपति सीतेन पी रूपति उन्हें पी रूपति जगच्छाय पी रूपति पिपासाय पी रूपति दंस मकस वातातप सरीसप संफसेन पी रूपति। अर्थात ठंडा गरम भूख प्यास दंस मकस यानी मक्खी मच्छर हवा गर्मी सांप बिच्छू आदि सरीसृप आदि विपरीत विरोधी कारणों के समागम से जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है उस धर्म को रूप कहा जाता है। विभंग मूल टीका में रूपणं का अर्थ है विकार को प्राप्त करना बतलाया गया है, विकारो ही रूपणंति। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि रूप उन द्रव्य गुणों का नाम है जो प्रतिक्षण हर क्षण एवरी मोमेंट परिवर्तन की अवस्था में होते हैं। मध्यम निकाय में रूप को स्पष्ट करते हुए सारिपुत्त कहते हैं, चत्तारी च महाभूतानि चतुन्नं च महाभूतानां उपादाय रूपं इदं उच्चतावसो रूपं। इसी को धम्म संगणी में इस तरह कहा गया है, चत्तारो च महाभूत चतुन्नं च महाभूतानां उपादाय रूपं इदं उच्चति सब्बं रूपं। अर्थात चार महाभूत तथा इनसे उत्पन्न उपादा रूप ही सभी रूप हैं। अब प्रश्न उठता है कि महाभूत क्या है जिनसे अन्य रूप उत्पन्न होते हैं जो उपादा रूप कहलाते हैं। महाभूत को भूत रूप भी कहा जाता है। इस तरह रूप को मूलतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला भूत रूप अथवा महाभूत और दूसरा उपादा रूप अथवा उपादाय रूप। पहले महाभूत को देखते हैं जिसे भूत रूप भी कहा जाता है। देखते हैं यह क्या है। यह महाभूत आधारभूत अथवा मूलभूत द्रव्य गुणों का समुच्चय है। ये महाभूत है। ये महाभूत क्यों कहे जाते हैं? ये पांच कारणों से महाभूत कहे जाते हैं। वे पांच कारण कौन कौन से हैं? पहला है महंत पातु भावतो यानी महान प्रादुर्भाव होने के कारण मैनिफेस्टेशन ऑफ दियर ग्रेटनेस। दूसरा है महाभूत सामान्यतो अर्थात सामान्य के कारण शोइंग ऑफ द इल्यूजरी रिजेंबलेंसेस एंड फिनोमेना। तीसरा कारण है महापरिहारतो
यानी इसका महंत परिहार होने के कारण द इमेंसिटी ऑफ देयर मेंटेनेंस। चौथा कारण है महाविकारतो, अर्थात विकार में महंत भाव होने के कारण द इमेंसिटी एज देयर मेटामॉर्फोज। और अंतिम जो पांचवा कारण है जिसके कारण ये महाभूत कहलाते हैं वह है महाभूतत्ता, यानी महाभूतत्व। देयर वॉज एलिमिनेटलिटी। यही पांच कारण है महान प्रादुर्भाव, सामयिक, महान परिहार, महान विकार और महाभूतत्व, जिससे ये महाभूत कहे जाते हैं। एतानि ही महंत पातु भावतो महाभूत सामयतो महापरिहारतो महाविकारतो महंत भूतत्ता जाति इमे ही कारणे ही महाभूतानेति उच्चन्ति। यह कोट या परिच्छेद धम्म संगनी अटकथा की है। यहां पर इसका विस्तार करना सम्यक प्रतीत नहीं हो रहा है। संक्षेप में इसके स्वरूप को दर्शा दिया गया है। अब आगे चलते हैं, महाभूत के प्रकार को देखते हैं। महाभूत के चार प्रकार हैं, पृथ्वी आपो तेजो वायु, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु, अर्थ वाटर फायर एंड एयर। एक एक करके चारों महाभूतों को देखते हैं। पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, भूत रूपं नाम। पहला महाभूत है पृथ्वी, यानी पृथ्वी अर्थ। कहीं कहीं पृथ्वी, कहीं कहीं पृथ्वी का प्रयोग किया गया है। विपश्यना संस्करण में पृथ्वी का प्रयोग किया गया है, नालंदा संस्करण में पृथ्वी का प्रयोग किया गया है। हम यहां पर पृथ्वी का प्रयोग करेंगे। पृथ्वी से तात्पर्य, पृथ्वी से तात्पर्य मात्र मिट्टी पर्वत जंगल आदि नहीं है, अपितु उसके अंदर जो समाहित गुण है, कड़ापन कठोरपन रुखड़ापन कड़कसपन, ये जो गुण है उससे है। किसी तत्व के जो रफनेस है, खड़गतन जो हार्डनेस है, कखलतन वही पृथ्वी है। आंतरिक तथा वह दृष्टि से इसके दो प्रकार हैं। आंतरिक पृथ्वी में लेस लोम नख दंत त्वचा मांस आदि आते हैं। वह पृथ्वी में सोना चांदी लोहा लकड़ी कूड़ा करकट पत्थर पर्वत आदि आते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस किसी तत्व में जहां कहीं भी कड़ापन हो, कर्कशपन हो, रुखड़ापन हो, कठोरपन हो, हार्डनेस हो, रफनेस हो, वह पृथ्वी है। अब आगे चलते हैं। दूसरा महाभूत है आपो, आपो धातु अर्थात जल वाटर। जल का अर्थ है अभिधम दर्शन में साधारण जल नहीं है, बल्कि उसका जो स्नेहक गुण है, यानी विभिन्न पदार्थों को एक साथ बांध रखने का जो गुण है वह जल है। क्वालिटी ऑफ बाइंडिंग द थिंग्स टुगेदर इज वाटर। जैसे आटा में जब हम जल मिलाते हैं तो उसके सारे कण एक साथ जुड़ जाते हैं, इस तरह एक साथ बांधने का जो गुण है वह जल है। बाहर जब धूल भरा समय रहता है, जब बारिश हो जाती है, धूल बैठ जाता है, तो ये जो बांधने का जो धूलों को बांधने का जो गुण है
वही जल है। आपो आपो गतंग स्नेहो स्नेह गतंग बंधनत्तंग रूपश्च। तरलत्व स्नेहत्व बंधनत्व पिंडीकरणत्व आदि गुण ही आपो धातु है। पीत कफ पीब लहू पसीना आंसू थूक मूत आदि आंतरिक आपो धातु है। फूल का रस फल का रस दूध दही घी मधु तेल भूमि के अंदर का जल आकाश का जल आदि वाह आपो धातु है। अब तीसरा महाभूत देखते हैं, वह है तेजो धातु। तेजो को हिंदी में अग्नि कहते हैं। यहां अग्नि का अर्थ सामान्य अग्नि नहीं है, बल्कि उसका जो उष्णत्व गुण है वह अग्नि है। तेजो तेजो गतंग उष्मा उष्मा गतंग उसुमंग उसुम गतंग। प्राणियों के अंदर तथा बाहर चारों ओर व्याप्त जो उष्मा है जो गर्मी है उष्णता है वही तेजो धातु है। तेजो धातु भी दो प्रकार के हैं, आंतरिक और बाह्य। शरीर के अंदर की जो गर्मी है जिसके कारण खाया पिया हुआ सम्यक प्रकार से पच जाता है वह आंतरिक तेजो धातु है। साथ ही ईर्ष्या के कारण अहंकार के कारण द्वेष के कारण जो परिदाह होता है जलन होता है संतप्त होते हैं वे भी आंतरिक तेजो धातु है। बाह्य आपो धातु के बाह्य तेजो धातु के अंतर्गत बाहरी गर्मी उष्णता उमस तेज अथवा ताप आता है। अब चौथा महाभूत को देखते हैं, वह है वायु धातु। वायु अर्थात वायु एयर। यह वायु भी अभिधम दर्शन में साधारण पवन या झंझावात नहीं है। यहां वायु से तात्पर्य वस्तुओं को उनके विशेष आकार में बनाए रखने के गुण से है। वायु वायुगतंग थम मिततंग रूपसः। इट इज ए मेटेरियल एनर्जी टू कीप द थिंग्स इन ए पर्टिकुलर पोजिशन इन ए पर्टिकुलर पोस्चर बाय जनरेटिंग प्रेशर ऑल अराउंड। इस तरह रूप को किसी विशेष स्थिति में बनाए रखने का जो गुण है जो क्वालिटी और एनर्जी है वही वायु धातु है। आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से इसके भी दो प्रकार हैं। अंग प्रत्यंगों को संचालित करने वाली हवा, शरीर के जोड़ों में स्थित हवा, श्वास पर श्वास आदि आंतरिक वायु धातु है। पूर्वा हवा पश्चिमा हवा धूल से भरा हवा ठंडी हवा गर्म हवा पंखा एयर कंडीशन आदि से उत्पन्न होने वाली हवा वाह्य वायु धातु कहलाते हैं। महाभूत के यही चार प्रकार हैं, पृथ्वी आपो तेजो वायु। अभी हमने भूत रूप को देखा, महाभूत पर विमर्श किया, इन महाभूतों से उत्पन्न जो रूप हैं उपादा रूप उस पर हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। भवतु सम मंगलम्।